आज 1 सितंबर को पन्नूगंज रोड रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा फिर 25 रुपए रसोई गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाने पर आक्रोशित सपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और सिलेंडर को जमीन में गाड़कर आक्रोश व्यक्त किया गया। सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि इस महामारी में भी सरकार जनता के ऊपर महंगाई लाद जनता का शोषण कर रही है, जबकि सरकार एक तरफ उज्ज्वला गैस गरीबों में मुफ्त बांट रही है तो दूसरी तरफ मूल्य वृद्धि कर शोषण भी कर रही है। आज समाजवादी पार्टी जिला सोनभद्र के कार्यकर्ता एवं सम्मानित महिलागण एवं जिला सोनभद्र के स्थानीय जनतागण, आज हम लोग जो लगातार गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया जा रहा है, आज तत्काल 25 रुपए गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया और एक तरफ देश प्रदेश की भाजपा सरकार कहती है कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन क्या यही आपका अच्छा दिन है? एक महीने के अंदर आपने 25-25 रुपए करके 1000 रुपए सिलेंडर कर दिया। एक तरफ आप महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का काम कर रहे हैं, कहते हैं कि हम मुफ्त गैस सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन यही महिलाएं माता बहने पूछना चाहती हैं कि आपने सिलेंडर दे दिया लेकिन 1000 रुपए हम कहां से लाएं? एक तरफ आप न्यू इंडिया की बात करते हैं कि हमारा भारत न्यू इंडिया है, किस तरीके से न्यू इंडिया है? है लगातार महंगाई बढ़ रहा है, आपदा काल है, अभी तीसरी लहर आने वाली है और लोग जो बाहर में नौकरी करते थे वो आज अपने घर पे आ गए हैं, बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा है, कॉपी किताब महंगा कर दिया गया, एक तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया, महिलाएं परेशान है और एक तरफ आप बाबाई लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज समाजवादी पार्टी जिला सोनभद्र के कार्यकर्ता सम्मानित महिलागण माता बहने एवं स्थानीय जनता ये देश प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है और मांग करती है कि अगर आपने गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं किया तो आने वाले 2022 में चुनाव में अगर आपके सांसद विधायक यही माता बहने किए जाकर वोट मांगने का काम करेंगे तो यही माता बहने झाड़ू लेकर बेलन लेकर आपको दौड़ा कर भगाने का काम करेगी। सम्मानित साथियों, तो आगे क्या रणनीति है महंगाई पे? आगे की रणनीति ये है कि हम लोग एक हफ्ते में गांव में जाकर शहर में जाकर स्थानीय जनता से मिलकर माता बहनों से मिलकर अलग जगाने का काम करेंगे। ये लगातार जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, कॉपी किताब का दाम बढ़ा दिया, इसको जाकर जन जागरण के माध्यम से माता बहनों को श्रमिकों को बताने का काम करेंगे और दो हफ्ते के अंदर 1000 आदमियों के साथ यही देश प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने का काम किया जाएगा और इस भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उखाड़ फेंकने का काम यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। सम्मानित साथियों, सरकार होश में।